नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक अतरंगी सी न्यूज लेके आई हूं। ये खबर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पुलिस ने 13 लोगों की हत्या करने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। उस युवती ने अपने अम्मी अब्बू समेत 13 परिजनों को खाने में जहर खिलाकर मार दिया है। वह अपने चचेरे भाई से निकाह करना चाहती थी, जिसके लिए उसका परिवार राजी नहीं था। इसी बात से गुस्सा होकर उसने एक कदम उठाया है। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि घटना क्या है और कहां की है। ये घटना है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले की है। खैरपुर की पुलिस ने कहा है कि उसने यहाँ अगस्त में 13 लोगों की हत्या का मामला सुलझाया लिया है। उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले और हत्यारों को भी गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस ने इस हत्या के मामले में एक युवती और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 18 साल की साइस्ता बरोही ने अपने ही अब्बू अम्मी और बाकी 11 परिजनों की हत्या की है। इस काम में उसके चचेरे भाई अमीर बख्श बरोही ने भी उसकी मदद की है। मीडिया को पुलिस ने बताया कि साइस्ता का निकाह किसी और रिश्तेदार से तय कर दिया गया था और उसकी सगाई भी हो चुकी थी। साइस्ता ने इस निकाह का विरोध किया। इस वो से खुश नहीं थी, वो अमीर बख्श से निकाह करना चाहती थी, जिसके बारे में उसने अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वाले इस निकाह के लिए राजी नहीं थे। जब उनके परिवार ने दोनों के रिश्तों का विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर आपस में इस हत्याकांड की साजिश को रचा, जिसके बाद उस युवती ने अपने अम्मी अब्बू समेत 5 बहनों और 3 भाइयों को मारने के लिए दावत के दौरान खाने में जहर मिला दिया। जहर वाला खाना खाने से इन 10 लोगों की मौत हो गई। इन 10 लोगों के साथ साथ 3 और रिश्तेदार मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। यह जहरीला खाना खाने वाले की मौत एक एक करके हुई। बीमार पड़ने के बाद लोग मरते गए। इस कारण से पहले लोगों को लगा कि यह मामला खाने से हुई बीमारी का है। हालांकि पुलिस ने जब दूसरे एंगल से जांच चालू की तो यह सच निकल कर आया कि पुलिस ने जब उस खाने की जांच करवाई थी जिसके कारण लोगों की मौत हुई, पुलिस ने स्पष्ट किया था कि इस खाने में जहर पाया गया। पुलिस का शक तब गहराया जब साइस्ता के अलावा बाकी सभी सदस्यों की मौत हो गई थी, लेकिन वह एकदम स्वस्थ रही। साइस्ता अपने प्रेमी अमीर बख्श के साथ भाग निकली थी। उसकी तलाश करके पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान साइस्ता ने यह राज खोला कि उसने ही खाने में जहर मिलाया था। यह जहर अमीर बख्श ने लाकर दिया था और साइस्ता ने आटे में जहर मिलाकर उसकी रोटियां बनाई और फिर ये खाना उन सभी लोगों को दिया। इसे खाने के बाद 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपने पूरी न्यूज सुनी, देखा आपने कि किस तरीके से उस लड़की ने अपने ही परिवार के सदस्यों को मार डाला। आप लोग को शायद याद होगा या आप लोग जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि इस तरह का मामला अपने पहले भारत में भी सामने आ चुका है। अमरोहा की रहने वाली समलम ने 2008 में इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पर 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने अपने माता पिता, 2 भाई, 1 भाभी, मौसी की लड़की और मासूम भतीजे को मार डाला था। और वैसी ही घटना फिर वापस से हुई। आपने देखा इस पूरी घटना में 13 लोगों की मौत हुई है और इससे पहले जो घटना हुई थी उसमें भी 7 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी घटना सुनी, जानी, समझी, तो इस पे आप लोगों के क्या विचार हैं ये आप लोग बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोग पाकिस्तान में हुई इस घटना के बारे में जाने। आप लोगों को ये वीडियो दिखाइए कि देखिए, आप अपनी आंखें खोलिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही परिवार की हत्या कर दे रहे हैं, तो वो दूसरों का क्या सोचेंगे, ताकि लोग किसी भी मुस्लिम युवक या युवती के बहकावे में कभी ना आए। जैसा कि अभी मैंने आप लोग को पहली न्यूज में बताया था, इसकी पिछली न्यूज में, कि कैसे एक लड़की के साथ क्या हुआ था, उस मुस्लिम युवक ने जबरदस्ती की जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली, तो ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इस वजह से आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मेरा आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, दिल से अनुरोध है कि इस बार इस दिवाली पर फिर से अच्छाई की जीत हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो और मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।